आज भी उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल में हो सकती है तेज बरसात। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चमोली में लगातार हो रही बारिश ने लोगों के लिए बनी मुसीबत। ग्रामीण क्षेत्रों में कई मार्ग बाधित हुए। जिला मुख्यालय गोपेश्वर में बढ़ा भूस्खलन का खतरा। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में छाया अंधेरा। बिजली विभाग की लापरवाही से धाम में बिजली गुल। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी। बड़कोट में बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत। गांव के रास्तों पर भरा मलबा। सड़कें बनी तालाब। लोगों को भारी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। कोटद्वार में बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नाले। एक मकान भी हुआ धराशायी। देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ठह गया मकान। वक्त रहते घर से बाहर निकले लोग। मेरठ में हुई मूसलाधार बारिश से वहां कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति। दुकानों में भरा पानी जिससे लाखों का हुआ नुकसान। तेज बारिश से खुली ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की पोल। ग्रेटर नोएडा की सड़कें तालाब में तब्दील। ड्रेनेज सिस्टम की खुली पोल। प्रशासन के दावे हवा हवाई। पहाड़ी से मलबा गिरने पर हुआ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित। हाईवे के दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी कतारें। एनएच की मशीनें मार्ग खोलने में जुटी। बड़कोट में सड़क का एक बड़ा हिस्सा बहा। लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। सड़क बहने से बनी गहरी खाई। करीब 2 दर्जन गांवों को जोड़ने वाले रास्ते पर हुआ हादसा। औली में निगम ने चेयर लिफ्ट में आपदा स्थिति की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किया। रेस्क्यू उपकरणों के साथ आपात स्थिति में पर्यटकों के फंसने पर रेस्क्यू तैयारियों को परखा। हल्द्वानी में जलभराव को लेकर मेयर जोगेंद्र पाल सिंह ने किया शहर के अलग अलग इलाकों का निरीक्षण। जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए योजना पर काम करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। आगरा में सीबीआई की टीम ने डीआरएम ऑफिस में छापेमारी की। डीआरएम ऑफिस में तैनात सुपरिंटेंडेंट एसके सोनी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने मामले पर साथ ही चुप्पी। बैराज में दो भाइयों में खूब चले लाठी डंडे। खेत में पानी लगाने को लेकर विवाद। मारपीट में एक युवक घायल। वीडियो वायरल। सहारनपुर में दो बाइकों के आमने सामने से टक्कर हो गई। एक बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। पीलीभीत में दबंगों ने की एक युवक की पिटाई। गौवंश को दबंग के प्लॉट में बांधना पड़ा महंगा। पुलिस ने 3 नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज से जांच जारी। प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अलीगढ़ में मामूली विवाद में दो पक्षों में कहासुनी के बाद हुई मारपीट। खेत पर पानी लगाने वाला पाइप फटने पर हुआ विवाद। एक पक्ष पर पुलिस के साथ दूसरे पक्ष के घर जाकर मारपीट का आरोप। वाराणसी में बीच सड़क पर बाइक सवार ने महिला और लड़के की बेरहमी से पिटाई की। मामूली विवाद को लेकर हुआ था झगड़ा। गाजियाबाद एसएसपी मुनिराज ने गश्त के दौरान गाड़ियों के शीशे से उतरवाई काली फिल्म। बाइक पर जा रहे शख्स को रोककर पहनाया हेलमेट। फिरोजाबाद में सामने आई स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। टीबी के मरीजों का पेड़ के नीचे हो रहा था इलाज। टीबी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स को नहीं है किसी की परवाह। उन्नाव में शर्मसार हुई स्वास्थ्य व्यवस्था। ई रिक्शा और बेड पर इलाज का वायरल हो रहा है वीडियो। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूर्वा का मामला। हल्द्वानी में 1 महीने की बच्ची का शव लेकर एसपी कार्यालय पहुंची मां। परिवार के कुछ दबंगों ने महिला और बच्ची को पीटा था। सोनभद्र में कोयले से लदे ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार दोनों युवकों की दर्दनाक मौत की खबर है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा में 24 घंटे के अंदर 4 नवजात की मौत से हड़कंप। हसनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला। डॉक्टर पर लगा लापरवाही का आरोप। सीएमओ ने जांच की कही है बात। कैराना में कावड़ यात्रा के चलते डीएम ने किया कावड़ मार्ग का निरीक्षण। कावड़ यात्रा का पॉलिथिन मुक्त और साफ सफाई के निर्देश दिए हैं। पेयजल और लाइटों की 2 दिन में व्यवस्था ठीक करने के निर्देश। यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण ने 100 दिन में कब्जा मुक्त कराई करीब 1000 करोड़ की जमीन। जेवर एयरपोर्ट के नाम पर भू माफिया इन जमीनों पर बना रहे थे अवैध कॉलोनी। उन्नाव में छात्रा को पीटने वाली शिक्षा मित्र पर कार्रवाई। शिक्षा मित्र पर एससी/एसटी एक्ट और मारपीट की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ। लापरवाही पर हेडमास्टर को किया गया सस्पेंड। संत कबीरनगर जिले में स्कूल के गेट पर दबंगों ने किया निर्माण। स्कूल गेट की जमीन को अपना बताकर किया निर्माण। बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। हापुड़ पुलिस ने 2 शातिरों को किया गिरफ्तार। फेक T20 टूर्नामेंट का आयोजन कराने का आरोप है। एक सॉफ्टवेयर के जरिए यूट्यूब पर कर रहे थे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग। लखनऊ के लालबाग में एक महिला का घर से बरामद हुआ है शव। महिला की बेरहमी से की गई थी हत्या। घर से दुर्गंध आने पर हुआ मामले का खुलासा।
चित्रकूट में हॉरर किलिंग की वारदात, पिता ने बेटे की लाठी डंडों से पीट पीट करके हत्या, किसी से फोन पर बात करने पर बेटी को उतारा मौत के घाट। गोंडा में रिमांड के लिए ले जाते वक्त कैदी ने खाई जहरीली दवा, आनन फानन में कैदी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, कैदी की हालत गंभीर। फतेहपुर में 5 साल की बच्ची का बोरे में मिला शव, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी, 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ। लंदन के ओवल में खेले गए इंडिया और इंग्लैंड के पहले वनडे में सीएम योगी की रही धूम, बुलंदशहर के रहने वाला इंजीनियर राहुल शर्मा योगी आदित्यनाथ की तस्वीर छपे टी शर्ट पहनकर मैच देखने पहुंचे। काशी विश्वनाथ धाम में मंगला आरती अब 1500 के बजाय 2000 और सुगम दर्शन 500 के बजाय 750 रुपए में होंगे, कई सुविधाएं बढ़ने के बाद इजाफा। बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने गोबर धन योजना के तहत बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया, प्लांट से तैयार की जाएगी बिजली। भ्रष्टाचार को लेकर सीएम योगी सख्त है, तबादलों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर होगा एक्शन, जल्द ही भ्रष्ट अधिकारियों पर गिरेगी गाज, 2 विभागों में हुए तबादलों की भी जांच होगी। तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी, बोले किसी भी धर्मस्थल से ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बजने पर तुरंत दे थाने को सूचना, सीएम ऑफिस से की जाएगी कार्यवाही। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन को लेकर ओपी राजभर का सस्पेंस अभी भी बरकरार है, 15 जुलाई को बैठक करके राजभर करेंगे समर्थन का ऐलान, द्रौपदी मुर्मू की बिना पार्टी में शामिल हुए थे राजभर, अखिलेश से चल रहे हैं नाराज। आशीष मिश्र की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जमानत पर होगा फैसला, पिछली सुनवाई में पीड़ित पक्ष में रखी थी अपनी दलील। 11वां विवाद पर आज प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक सुनवाई, वाराणसी के जिला कोर्ट में आज अपनी दलील रखेगा हिंदू पक्ष, 11वां मस्जिद और स्वयंभू विश्वेश्वर विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। आज से 2 दिनों के चंपावत दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को मथुरा के प्रशासनिक अफसरों ने रोका, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर जाने की नहीं दी परमिशन, गलत व्यवहार का आरोप लगाया। देहरादून में अवैध निर्माण पर चल रहा लगातार पीला पंजा, आज भी जारी रहेगा अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर का एक्शन, कई अवैध निर्माण रडार पर। अल्मोड़ा में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पर किया हंगामा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष के साथ महिला एएसआई की बदसलूकी के मामले में हंगामा। प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए सरकार शुरू कर रही है नई पहल, शासन की 6 सदस्यीय कमेटी ने कई सरकारी अस्पतालों का मुआयना किया। केदारनाथ से आई डराने वाली तस्वीरें, जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं श्रद्धालु, मॉनसून सीजन में उफान पर नदी नाले, घोड़े खच्चरों को धकेलकर जबरन कराई जा रही आवाजाही। पीलीभीत में रेलवे स्टेशन के बाद बाजार में यूट्यूब के लिए ब्लॉग शूट करने पहुंचा यूट्यूबर, रेलवे स्टेशन से लेकर बाजार तक हुआ स्टंट, ट्रैफिक नियमों की उड़ाई गई जमकर धज्जियां। हापुड़ में विशाल अजगर निकलने से मचा हड़कंप, मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी लेकिन वो नहीं पहुंची, 2 स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। जौनपुर में रास्ते के विवाद में कुल्हाड़ी लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई, महिला सहित 3 लोग हुए घायल, पुलिस ने दोनों पक्षों से किया मुकदमा दर्ज। बरेली में सामने आया है लव जिहाद का मामला, लव जिहाद के लिए दूसरे समुदाय के युवकों ने किशोरी को फंसाया, दोनों युवकों ने अपहरण किया। बरेली में लव जिहाद को लेकर रामपुर के रहने वाले नावेद और अरमान को किया गया पुलिस के हवाले, छेड़छाड़ से परेशान होकर रामपुर से बरेली मामा के यहां आई थी किशोरी। सहारनपुर में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को खदेड़ा, एक युवक की दुकान पर पहुंचकर गाली गलौज करने के बाद हुआ था विवाद। हल्द्वानी शहर में लड़कियों के बीच मारपीट हो गई, लड़कियों के 2 गुटों में हुई मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा तेजी से वायरल। ग्रेटर नोएडा के दादरी में दबंगों का कहर, बीच सड़क कार सवार लोगों पर किया हमला, कार के शीशे तोड़कर जमकर मारपीट की सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। प्रतापगढ़ में खेत की मेड़ के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडों से मारपीट हो गई, मारपीट में 53 साल के शख्स की मौत हुई। मथुरा में एक युवक से कुछ युवकों ने की बदसलूकी, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की, केस दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में जेल पुल के ऊपर से किशोरी ने की छलांग लगाने की कोशिश, स्थानीय लोगों ने लड़की को पुल से कूदने से रोका, लड़की को महिला थाने ले जाया गया।
उन्नाव में एक ही परिवार पर जानलेवा हमला, 3 से ज्यादा लोग हुए घायल। छेड़छाड़ का आरोप लगाकर लोगों ने बोला था। बरेली में आपसी रंजिश की वजह से दबंगों ने अंधाधुंध फायरिंग की, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीलीभीत में रंगदारी ना देने पर दबंग गए, आधे दर्जन से ज्यादा दबंगों ने हलवा पराठा दुकान पर मचाया तांडव, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीलीभीत में दबंगों ने हलवा पराठे की दुकान को किया तहस नहस, दुकान मालिक की पिटाई की, गर्म तेल से कई लोग जले। झांसी में छात्रा पर ब्लेड से युवक ने किया हमला, गले चेहरे पर लगे कई टांके, दोस्ती का दबाव बना रहा था आरोपी। छात्रा पर हमला करने वाले आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस, कई टीमें गठित, अस्पताल में छात्रा का चल रहा है इलाज। बिजनौर में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत, गन्ने के खेत के पास पेड़ पर चढ़ता दिखाई दिया तेंदुआ, ग्रामीण ने मोबाइल में कैद की तेंदुए की तस्वीरें। मथुरा में साइंटिफिक पैथोलॉजी में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है आग लगने की वजह, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बाराबंकी में तालाब की रखवाली कर रहे युवक का स्मार्टफोन हुआ चोरी, फोन कवर में कैश और एटीएम कार्ड भी था मौजूद, घटना का लाइव तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। संभल के चंदौसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवानों ने चलती ट्रेन से गिरी महिला की बचाई जान, सीसीटीवी में कैद हुई जवानों की बहादुरी की तस्वीर। कानपुर देहात में स्कूल बस से टकराया टेम्पो, बस में सवार स्कूली बच्चों की बाल बाल बची जान, टेम्पो में सवार करीब आधा दर्जन लोग हुए घायल, एक युवक की इलाज के दौरान मौत। सोनभद्र में कोयला से लदी तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार भाइयों को कुचला, मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। चंपावत में तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को मारी टक्कर, स्कूटी सवार एक शख्स हुआ घायल, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। ग्रेटर नोएडा में खड़े ट्रक में डीसीएम ने मारी टक्कर, डीसीएम के केबिन में फंसा ड्राइवर, पुलिस और राहगीरों ने घंटों की मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला। हमीरपुर नेशनल हाईवे 34 में तेज रफ्तार दो ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत, टक्कर से दोनों ट्रक हुए क्षतिग्रस्त, दोनों ड्राइवर को पुलिस ने भेजा जेल। हरदोई में सरेआम उड़ी कानून की धज्जियां, तमंचा लगाकर युवक को कार से उठा ले गए हमलावर, कार के अंदर एक युवक को जमकर पीटा। बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बदमाशों के पास से तमंचे कारतूस, कार बरामद, मेडिकल स्टोर से दवा ले रहा था युवक। रुड़की में एसएससी परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई, दूसरे युवक की जगह पर दे रहा था परीक्षा, आरोपी से फर्जी आईडी कार्ड, मोबाइल फोन और प्रमाण पत्र बरामद। सहारनपुर में शिया धर्म के गुरु को मिली जान से मारने की धमकी, शिया समुदाय की संपत्ति की बंदरबांट का खुलासा करने वाले थे शिया धर्म गुरु, पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार, दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।